Hello students. So we were studying about neuromuscular blocking agents. अब neuromuscular blocking agents के अंदर हम agents के बारे में पढ़ रहे थे particular. Next जो हमारे पास agent आता है that is atracurium और nivacurium. ये जो दोनों agents हैं ये हमारे पास अब जो हमने D-tubo ghrelin पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि D-tubo ghrelin हमारे पास histamine का release increase करवाता है और हमारे पास जो गैंग्लिया है उसको भी ब्लॉक करता है और हमारे पास पैंक्रोनियम और गैलामाइन जो है वो हिस्टामिन का रिलीज हमारे पास नहीं करवाते. लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास एट्राक्यूरियम और निवाक्यूरियम है इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारे पास सिमिलर है डी ट्यूबोग्रारन के साथ. लेकिन ये और क्या करते हैं हमारे पास हिस्टामिन का रिलीज करवाते हैं और हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है उसको डिक्रीज करवाते हैं और ब्रोंकोस्पासम कॉज करवाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास 0.3 to 0.6 mg पर kg की डोज दी जाती है एट्राक्यूरियम और निवाक्यूरियम की. नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है दैट इज रोक्यूरोनियम. अब जो रोक्यूरोनियम एजेंट है ये हमारे पास नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है. लेकिन इसका जो हमारे पास एक्शन होता है वो हमारे पास रैपिड होता है. रोक्यूरोनियम हमारे पास लिवर के अंदर एलिमिनेट होता है. लेकिन अब जो ये ड्रग है ये हमारे पास सक्सेनाइल कोलीन के अल्टरनेटिव की उसके दी जाती है. जो हमने पढ़ा था कि जो सक्सेनाइल कोलीन एजेंट होता है वो हमारे पास डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के अंदर आता है. तो हमारे पास इसके अगर किसी पेशेंट के अंदर हम सक्सेनाइल कोलीन यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम रोक्यूरोनियम देते हैं. इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास प्रोलॉन्ग आता है लाइक सक्सेनाइल कोलीन. नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है दैट इज पाइपक्यूरोनियम. अब जो पाइपक्यूरोनियम एजेंट होता है ये हमारे पास स्टेरॉयडल होता है. इसका स्लो ऑनसेट होता है लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो इन कंपैरिजन टू अदर एजेंट्स हमारे पास हाई होता है. और उसके अलावा जो हमारे पास पाइपक्यूरोनियम है ये लिवर और किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास मीवाक्यूरियम एजेंट है. मीवाक्यूरियम हमारे पास शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है. ये हमारे पास प्लाज्मा कोलिनेस्टरेजेस के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती है. अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स. अब जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं ये हमारे इसके अंदर हमारे पास जो प्रोटोटाइप ड्रग है दैट इज सक्सेनाइल कोलीन. अब जो सक्सेनाइल कोलीन होती है ये हमारे पास क्या करती है एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है और हमारे पास परसिस्टेंट या प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस करती है. और हमारे पास इनिशियली जो मसल्स होते हैं वो क्या जाते हैं हमारे पास स्टिमुलेट हो जाते हैं. लेकिन जब हमारे पास इनिशियल स्टिमुलेशन के बाद क्या हो जाता है हमारे पास फ्लैक्सिड पैरालिसिस कॉज हो जाता है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर. अब ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं जो सक्सेनाइलकोलीन है ये हमारे पास गैंग्लिया को ब्लॉक नहीं करता लेकिन ये हिस्टामिन का रिलीज करवाता है. और हिस्टामिन का रिलीज करवाने की वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हमारे पास ब्रोंकोस्पाजम्स कॉज होते हैं. और हमारे पास जो सक्सेनाइलकोलीन होता है सक्सेनाइलकोलीन हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव पेन कॉज करता है इन द पेशेंट जिनके अंदर हमारे पास सक्सेनाइलकोलीन दिया जाता है. अब जो हमारे पास सक्सेनाइलकोलीन एजेंट होते हैं ये हमारे सक्सेनाइलकोलीन होता है ये हमारे पास रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं स्यूडोकोलीन एस्टरेजेस की प्रेजेंस में जो कि हमारे पास लिवर प्रोड्यूस करता है. और हमारे पास इसकी वजह से जो हमारे पास सक्सेनाइलकोलीन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो हमारे पास इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है. अब जो सक्सेनाइलकोलीन है सक्सेनाइलकोलीन जो एजेंट है इसके हमारे पास बहुत स्पेसिफिक ड्रग इंटरैक्शंस देखे जाते हैं. जैसे कि जो सक्सेनाइलकोलीन है इसको हम थायोपेंटोन के साथ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि जब जो सक्सेनाइलकोलीन है वो हमारे पास थायोपेंटोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं ये हमारे पास स्पेसिफिकली जनरल एनेस्थेटिक्स के साथ दिए जाते हैं ताकि मसल्स जो है उनको रिलैक्स कर पाए. तो इसकी वजह से लेकिन ये जो हमारे पास सक्सेनाइलकोलीन है सक्सेनाइलकोलीन हम थायोपेंटोन के साथ नहीं दे सकते क्योंकि सक्सेनाइलकोलीन थायोपेंटोन के साथ रिएक्ट कर जाता है. उसके अलावा हमारे पास जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो
एसिटाइलकोलीन का जो एक्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हम सक्सिनाइलकोलीन का जो डोज है, अगर हम जनरल एनेस्थेटिक के साथ दे रहे हैं तो डोज हमारे मॉडरेट करना पड़ता है, हमें बहुत कम डोज में सक्सिनाइलकोलीन रिक्वायर्ड होता है व्हेन इट इज गिवन विद जनरल एनेस्थेटिक्स। उसके अलावा हमारे पास जो एंटी एसिटाइलकोलीन एस्टरेज ड्रग्स होती हैं, जो हमारे पास नियोसिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन है। अब नियोसिग्मिन फाइसोस्टिग्मिन हम टिबोक्यूरारन और जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं उनके साथ हम दे सकते हैं, और हमारे पास ये इनका जो इफेक्ट है वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो एंटीकोलीन एस्टरेज ड्रग्स हैं वो सक्सिनाइलकोलीन और हमारे पास जो डेकामेथोनियम ड्रग है इन दोनों के साथ भी हमारे पास एक्शन को एंटागोनाइज करता है। उसके अलावा हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो भी हमारे पास जो सक्सिनाइलकोलीन का जो इफेक्ट है उसको इंक्रीज कर देते हैं या प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सक्सिनाइलकोलीन का जो डोज है वो मॉडरेशन में देना होता है। जो हमारे पास डायजेपाम ड्रग है, हमारे पास प्रोपैनोलॉल ड्रग है, क्विनिडीन ड्रग है, ये सारी भी हमारे पास सक्सिनाइलकोलीन का एक्शन इंक्रीज कर देती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके साथ भी हमारे पास सक्सिनाइलकोलीन जो है वो हमारे पास उसका एक्शन इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास सक्सिनाइलकोलीन का जो डोसेज है वो हमारे पास बहुत कम दिया जाता है ड्यू टू नंबर ऑफ ड्रग इंटरैक्शंस। अभी जो हमने ये एजेंट्स पढ़े, हमारे पास जो सक्सिनाइलकोलीन है उसका और डेकामेथोनियम जो हमारे पास ड्रग है इन दोनों का मैकेनिज्म एक्शन सिमिलर है, लेकिन डेकामेथोनियम के साथ हमारे पास जो नंबर ऑफ ड्रग इंटरैक्शंस है वो कम है इन कंपैरिजन टू सक्सिनाइलकोलीन। अब जो ये हमने एजेंट्स पढ़े न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, अब ये एजेंट्स जो है ये हमारे पास यूज कहाँ पे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के साथ। स्पेसिफिकली हमारे पास अगर किसी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी होनी हो या फिर हमारे पास ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेशन होनी हो तो उन केसेस के अंदर हमारे पास जो हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। सेकेंडली हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस होने हैं, जैसे कि हमारे पास एंडोस्कोपी होनी है या फिर लेरिंगोस्कोपी होनी है या फिर ब्रोंकोस्कोपी होनी है, उन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। अब जो हमारे पास फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के इंसिडेंसेस होते हैं उनके अंदर भी हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स को दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जब हमें शॉर्ट एक्टिंग ड्रग चाहिए होती है तब हमें हम सक्सिनाइलकोलीन को यूज करते हैं, और जब हमें लॉन्ग टाइम के लिए एक्शन चाहिए होता है तब हम डी ट्यूबोक्यूरारन यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, जो हमारे पास मेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, तो जो ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव हमारे पास इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज होती हैं उसके अंदर हमारे पास पेशेंट्स के अंदर सक्सिनाइलकोलीन और डायजेपाम हमारे पास कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कोई स्केलेटल मसल की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। तो जनरली अगर किसी पेशेंट को हमारे पास शॉक दिया जा रहा है तो हाई चांसेस है कि वो हमारे पास अपनी लेग्स और आर्म्स को मूव करेगा, और अगर वो पेशेंट हमारे पास लेग्स और आर्म्स को मूव करेगा तो हमारे पास हाई चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट को इंजरी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, सक्सिनाइलकोलीन और डायजेपाम कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि जो वो पेशेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ड्राउजी हो जाए विद द यूज ऑफ डायजेपाम, और सेकेंडली हमारे पास सक्सिनाइलकोलीन से जो उसके स्केलेटल मसल्स है वो हमारे पास रिलैक्स हो जाए या पैरालिसिस हो जाए टेम्पररीली, और हमारे पास उस पेशेंट के अंदर कोई स्केलेटल मसल की इंजरी ना हो। उसके अलावा हमारे पास जो स्पास्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी हमारे पास कंडीशन की वजह से अगर किसी पेशेंट के अंदर स्पाजम्स मस्कुलर स्पाजम आने शुरू हो गए हो तो उन पेशेंट्स के अंदर हम स्पाजम्स को ट्रीट करने के लिए हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स देते हैं। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, जो हमारे पास टेटनस होता है जिन पेशेंट्स को, हमारे पास टेटनस के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास मसल्स जो है वो ट्विचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं,
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, वो जो हमारे पास स्पास्टिक डिसऑर्डर है उसको प्रिवेंट करने के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो हमारे पास एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं उनके अंदर हमारे पास जो कन्वर्जन्स होती हैं उनके अंदर हाई चांसेस होते हैं कि हमारे पास स्पैज़म्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास हेमिप्लेजिया और पैराप्लेजिया के अंदर भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। इसी के अंदर हमारे पास एक एजेंट आता है, दैट इज बोटुलिनम टॉक्सिन। अब जो हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन होता है, ये हमारे पास एक हमारे पास एसिटाइलकोलीन को इनहिबिट करता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम से मिलता है हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन। अब ये एसिटाइलकोलीन को जब इनहिबिट करता है, एसिटाइलकोलीन इनहिबिट होगा तो हमारे पास जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो हमारे पास प्रिवेंट हो जाएंगे। तो बोटुलिनम टॉक्सिन जो है इसको हम बोटॉक्स भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास रिंकल्स आते हैं वो हमारे पास फेस के ऊपर जो रिंकल्स आ जाते हैं वो हमारे पास किसकी वजह से आते हैं, जो हमारा मसल होता है फेस के बीनीथ वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और उस मसल को रिलैक्स करवा के हम क्या करते हैं, जो हमारे रिंकल्स होते हैं उनको ट्रीट कर देते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स भी आते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के अंदर हमारे पास डेंट्रोलिन एजेंट आता है। अब जो ये डेंट्रोलिन एजेंट आता है ये हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट है, डायरेक्ट एक्शन होता है, ये डायरेक्टली हमारे पास स्केलेटल मसल के ऊपर जाता है और हमारे पास कैल्शियम का रिलीज जो है उसको हमारे पास इनहिबिट कर देता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जब हमारे पास कैल्शियम का रिलीज हमारे पास इनहिबिट हो जाता है तब हमारे पास मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, और मसल जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता तो हमारे पास हमारे पास मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। अब जो ये डेंट्रोलिन है ये हमारे पास सिमिलरली जो स्पास्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सेरिब्रल पाल्सी होती है या स्पाइनल इंजरी हो जाती है या फिर हेमिप्लेजिया और पैराप्लेजिया हो जाता है, उन केसेस में हमारे पास डेंट्रोलिन यूज की जाती है। अब डेंट्रोलिन के हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डेंट्रोलिन होता है वो हमारे पास टॉक्सिक टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है लिवर के अंदर, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, हमारे पास मसल वीकनेस कॉज करता है, ड्राउजीनेस कॉज करता है, डिजीनेस कॉज करता है, और हमारे पास वर्टिगो और एंजाइटी कॉज करता है जो हमारे जो डेंट्रोलिन एजेंट होता है। सो विद दिस आपके जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो यहीं पे फिनिश होते हैं। सो अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एक डिसीज है जो हमारे पास रिलेटेड है हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के साथ, दैट इज माइसीनिया ग्रेविस। तो माइसीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब माइसीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइसीनिया ग्रेविस होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ माइसीनिया ग्रेविस। सो माइसीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के अंदर हमें की ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइसीनिया ग्रेविस होता क्या है। तो माइसीनिया ग्रेविस हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे पास चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन हो जाते हैं, और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे पास बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जगह पे हमारे पास बॉडी के अंदर ही डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देता है,
उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो माइसिनिया ग्रेविस के अंदर होता क्या है, हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं, हमारे पास वीक, हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और हमारे पास मसल्स के वीक होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी जो फेटिगेबिलिटी होती है, जो हमारे पास मसल्स का जो हमारे पास टायर्डनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और ईजिली हमारे पास फिटीक कॉज हो जाता है स्केलेटल मसल्स के अंदर। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके अंदर हमारे पास जो हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उन निकोटिनिक रिसेप्टर्स के लिए हमारे पास बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारे पास क्या करती है, पहले तो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। जब हमारे पास एंटीबॉडीज निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं तो वो एसिटाइलकोलीन का जो एक्शन है उसको इनहिबिट करती हैं, और एसिटाइलकोलीन के एक्शन इनहिबिट करने के अलावा हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास जो एंटीबॉडीज है वो हमारे पास क्रॉस लिंकिंग करवा देती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, और जब हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है तब हमारे पास क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन स्टिमुलेट हो जाती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, और अल्टीमेटली हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। तो क्या होता है हमारे पास माइसिनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इज करेक्टराइज विद द वीकनेस एंड विद द रैपिड एंड ईजी फिटिगेबिलिटी ऑफ द स्केलेटल मसल। इन दिस डिसीज एंटीबॉडीज आर जनरेटेड फॉर द निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड दीज एंटीबॉडीज बाइंड टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलीन, and due to the inhibition of action of acetylcholine it also causes the cross linking of receptors and stimulate their degradation. to hamare paas degrade ho jate hain hamare nicotinic receptors jo hote hain. ab nicotinic receptors ke degrade karne ke alawa hamare paas jo post synaptic membrane hota hai hamare neurons ke andar usko bhi damage kar dete hain hamare paas jo antibodies hoti hain. to हमारे पास एंटीबॉडीज डैमेज होने की वजह से, निकोटिनिक रिसेप्टर्स डैमेज होने की वजह से, और ऐसे एसिटाइलकोलीन का एक्शन ना आने की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो ट्यूबोक्युरारिन की वजह से हमारे पास एक्शन आ रहा था, जो मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है वो हमारे पास, जो पैरालिसिस हो जाती है मसल्स की, वैसे सिम्टम्स आते हैं माइसिनिया ग्रेविस के अंदर। अब माइसिनिया ग्रेविस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्फेजिया हो जाता है, हमारे पास डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, डिसआर्थ्रिया हो जाता है, हमारे पास डिप्लोपिया हो जाता है, और टॉसिस हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो पेशेंट है वो हमारे पास अपने फेस के मसल्स नहीं मूव कर पाता, अपने जो उसके मसल्स होते हैं वो हमारे पास पैरालिसिस हो जाते हैं, हमारे अपने स्मूथ मसल्स को मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो फूड को स्वैलो नहीं कर पाता, जिसको हम कहते हैं डिसफेजिया। वो हमारा जो पेशेंट है वो बोल नहीं पाता, जिसको हम कहते हैं डिसआर्थ्रिया, और हमारे पास आई मूवमेंट नहीं हो पाती हमारे पास माइसिनिया ग्रेविस के पेशेंट्स के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास जो हमारी लिम्स, हमारे हैंड्स और लेग्स हैं उनके अंदर वीकनेसेस हो जाते हैं, और हमारे पास अल्टीमेटली जो स्केलेटल मसल्स हैं उसका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और जो पेशेंट है वो परमानेंट पैरालिसिस की तरफ हमारे पास उसके सिम्टम्स प्रोसीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास पॉइंट आता है कि हम माइसिनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम जो एंटीबॉडीज की वजह से हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, वो कैसे हमारे पास उनको कैसे ट्रीट करेंगे कि हम माइसिनिया ग्रेविस के सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं एंटी एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेस ड्रग्स, जो कि हमारे पास नियोसिग्बिन और फाइसोसिग्बिन है, ये हमारे पास एजेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एसिटाइलकोलीन का जो लेवल है उसको इंक्रीज करवा देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है।
उसके अलावा हमारे पास जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और जो हमारे पास मसल का पावर है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो एंटीएसिडाइकोलिनेस्ट्रेजेस ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमैटिक रिलीफ लाती हैं हमारे पास। लेकिन और जो हमारे पास एडवांस्ड केसेस होते हैं जिनके अंदर हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम एंटीएसिडाइकोलिन ड्रग्स जो है उनको यूज़ नहीं कर सकते। अब जब हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स की ओवर स्टिमुलेशन होती है तब हमारे पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की भी स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास सेलिवेशन, मियोसिस और एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया जैसे सिम्टम्स आते हैं जो कि हम एट्रोपिन के साथ ट्रीट करते हैं। उसके अलावा हम हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो हम नियोस्टिग्मिन के साथ, पेरिडोस्टिग्मिन के साथ और हमारे पास एम्बिनोनियम के साथ हम इंक्रीज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एजेंट आता है दैट इज एड्रोफोनियम। हम एड्रोफोनियम का यूज करके हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो माइसिनिया ग्रेविस के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं। अब जब हमारे पास किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर सर्जरी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से जब हमारे पास मसल वीकनेस हो जाती है तब उसको हम कहते हैं माइस्थीनिया क्राइसिस। और जब हमारे पास एक्सेस डोज हो जाए एंटीएसिटाइलकोलिन एस्ट्रेजेस की, उसकी वजह से हमारे पास मसल जो है वो वीक हो जाए तब हमारे पास हम उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर या तो हमारे पास माइस्थीनिया क्राइसिस हो सकता है या फिर हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है। इन द केस ऑफ माइस्थीनिया क्राइसिस अगर हम एड्रोफोनियम देंगे तो जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो इनिशियली हमारे पास इम्प्रूव हो जाएंगे, तो हमें डायग्नोसिस हो जाएगा कि हमारे पास माइस्थेनिक क्राइसिस है। और अगर हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ तो एड्रोफोनियम की प्रेजेंस में हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो और भी ज़्यादा वर्सन हो जाएंगे। अब एंटीएसिडाइकोलिन ड्रग्स के अलावा और एट्रोपिन के अलावा हमारे पास जो ट्रीटमेंट है माइसिनिया ग्रेविस की उसके अंदर हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज किए जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स हमारे पास क्या करते हैं, जो हमारे पास जनरेशन होती है एंटीबॉडीज की उसको प्रिवेंट करवा देते हैं। सो दिस वॉज द ट्रीटमेंट ऑफ माइसिनिया ग्रेविस। थैंक यू।